नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव या कोई SSD शो नहीं कर रहा है तो आप उसको कैसे करके शो करा सकते हैं अपने कंप्यूटर में। क्योंकि इतने बार होता क्या है कि हम लोग कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या एक्सटर्नल SSD लगाते हैं या कोई इंटरनली भी हम लोग का SSD या हार्ड ड्राइव लगा रहता है पर वो शो नहीं करता है, ठीक है। या कितने बार हम लोग कोई पार्टीशन वगैरह भी करते हो तो शो नहीं करता है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे करके आप उसको शो करा सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर मैंने अपना फाइल एक्सप्लोरर खोला एंड यहाँ पे जो कि है मैं दिस PC पे क्लिक कर दूंगा एंड दिस PC के अंदर मैं आपको देखने को मिलेगा मेरा खाली एक ही दिखा रहा है, लोकल डिस्क C, ठीक है। और ये दिखा रहा है 237 GB का, ठीक है। तो ये दिखा रहा है जिसमें खाली विंडोज इंस्टॉल है एंड इसके अलावा जो कि है मेरे कंप्यूटर में एक और जो कि है हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, वो हार्ड ड्राइव इधर शो नहीं कर रहा है। आपका हो सकता है कि हार्ड ड्राइव ना हो कि SSD भी लगा हो, तो एक ही बात है, अगर SSD या हार्ड ड्राइव जो भी लगा है और आपका शो नहीं कर रहा है कंप्यूटर में तो इस वीडियो में बने रहना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपके सामने देख लो, खाली एक सी ड्राइव ही शो कर रहा है एंड हमारे कंप्यूटर में जो कि एक और हार्ड ड्राइव लगा हुआ है उसको हम लोग को शो कराना है। तो शो कराने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में एक बटन को क्लिक करना है। आपको देखो, आपका जो कंप्यूटर कीबोर्ड रहेगा इसमें जो ये विंडोज वाला बटन है, Windows+R, ठीक है। Windows+R पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कंप्यूटर पे एक पॉपअप आएगा साइड में, यहाँ पे जो कि है रन कमांड खुल जाएगा। आपको इधर रन कमांड में एक चीज लिखना है, आपको क्या लिखना है, DISK, ठीक है, डिस्क। फिर उसके लिखना है MGMT, ठीक है। उसके लिखना है .MSC, ठीक है। कमांड को देख लो, DISK MGMT.MSC, आपको ये लिख के एंड एंटर पे क्लिक कर देना है। आप एंटर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा विंडो खुल के आएगा, ठीक है। एंड ये विंडो में अब आपको क्या करना है, इधर में आपको देखने को मिल जाएगा, आपको इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, एक मिनट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा विंडो खुल के आएगा एंड यहां पे जो कि है आपको देखने को मिलेगा आपके कंप्यूटर में जितना भी ड्राइव लगा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला हमारा लिखा रखा है DISK 0, ठीक है। DISK 0 हम लोग का जो कि ऑनलाइन दिखा रहा है एंड इसी में जो हमारा विंडोज है वो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला तो हमारे कंप्यूटर में शो कर ही रहा है। और इधर जो एक दूसरा है ना, DISK 1, ये DISK 1 जो कि है हमारा एक हार्ड ड्राइव है जो हमने लगा रखा है कंप्यूटर में, पर ये शो नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे करके हम लोग शो करवाएंगे, तो शो कराने के लिए आपको क्या करना है, देखो जैसे कि आपका DISK 1 अगर शो नहीं कर रहा है, वही आपका देख लेना कि कौन सा डिस्क शो नहीं कर रहा है। जैसे कि हमारे केस में जो कि DISK 1 शो नहीं कर रहा है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इधर ऊपर में देखूंगा, इधर जो लिखा हुआ है DISK 1 पार्टीशन, इस पे मैं सिंपली राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। इस पे राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो इधर में जो कि है कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ, आपको इस पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इधर को वॉल्यूम ऐड नहीं होगा, तो इधर आपको वॉल्यूम ऐड करना है। वॉल्यूम ऐड करने के लिए क्या करना है, आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद लिखा रहेगा असाइन दी फॉलोइंग ड्राइव लेटर, आपको इधर से कोई भी एक लेटर सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप पसंद का सिलेक्ट करना चाहते हो। जैसे कि मैं जो कि है डी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इधर मैंने डी सेलेक्ट कर दिया, एक सी तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें हमारा विंडोज इंस्टॉल है और सेकंड ड्राइव को मैं डी समझ लिया, ठीक है, डी बना लिया एंड उसके बाद सिंपली मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा एंड ओके पे क्लिक कर दिया। बस इतना सही प्रोसेस है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ऑटो प्ले इधर लिखा हुआ आ चुका है, लोकल DISK D, ठीक है। तो DISK D जो कि हम लोग का लोकेट हो चुका है, हम लोग का जो फाइल है उसमें शो करेगा। अभी मैं आपको दोबारा से फाइल्स खोल के चेक करा दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि हमारा DISK D आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अगर कोई भी पार्टीशन या कोई भी ड्राइव कुछ भी शो नहीं कर रहा है, SSD हो या हार्ड ड्राइव हो या कुछ भी पार्टीशन वगैरह, तो आप सिंपली इसी प्रोसेस का यूज करके बहुत ही आसानी से उसे शो करा सकते हो। अब जैसे कि आप देख सकते हैं शो कर रहा है, हो सकता है कि आप इसको खुलने जाओ यहाँ पे तो खुले ना, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा तो खुल रहा है पर आपका हो सकता है कि खुले ना, इधर कुछ पॉपअप वगैरह है। तो पॉपअप वगैरह में इधर लिखा रहेगा फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। तो फॉर्मेट के लिए आपको ओके पे क्लिक करना पड़ेगा अगर आपका आता है तो, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगर आपका फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है तो सिंपली ओके करके अगर फॉर्मेट कर देना एंड आपका जो हार्ड ड्राइव है वो सही तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतने बार होता क्या है कि हार्ड ड्राइव करप्ट हो गया होता है, ठीक है, इतने प्रोसेस के बाद, तो आपका हार्ड ड्राइव एक बार फॉर्मेट करने के लिए बोल भी सकता है, कोई पक्का नहीं है, बोल भी सकता है या नहीं भी बोल सकता है, आपके कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखना, अगर आपको फॉर्मेट करने के लिए बोल रहा है मतलब हार्ड ड्राइव जो कि आपका उसका सब डेटा उड़ जाएगा, ठीक है। और अगर फॉर्मेट करने के लिए नहीं बोल रहा है तो आप सिंपली उसे यूज कर पाओगे, जो भी पुराना डेटा होगा उसे एक्सेस कर पाओगे। तो इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने कंप्यूटर में किसी भी पार्टीशन, किसी भी हार्ड ड्राइव या किसी भी SSD को शो करा सकते हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना, और आपने अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।